अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले का आगमन भिलाई की पावन धरा पर 25 अप्रैल से हो रहा है, जहां वे 1 मई तक श्री शिव महापुराण कथा के दौरान एकालेश्वर महादेव की कथा का वाचन अपने शिवमुख से जयंती स्टेडियम सिविक सेंटर में करेंगे। श्री शिव महापुराण कथा आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है, वहीं शासन प्रशासन से चर्चा कर अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस्पात नगरी की धरा में 25 अप्रैल से 1 मई तक भक्तिमय माहौल में कथा का वाचन किया जाएगा। जीवन आनंद फाउंडेशन एवं श्रीराम जन्मोत्सव समिति के संयुक्त तत्वावधान में जयंती स्टेडियम सिविक सेंटर में श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा, जहां अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने श्रीमुख से एकालेश्वर महादेव की कथा का वाचन करेंगे। आयोजन की तैयारियों की रूपरेखा को लेकर आयोजकों द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारियां दी गई। 25 अप्रैल से 1 मई तक शिव महापुराण की कथा जयंती स्टेडियम सिविक सेंटर में प्रदीप मिश्रा पंडित जी द्वारा श्रीमुख से रसपान सबको करने का भिलाई वासियों का अवसर मिलेगा। जिस कथा के भव्य आयोजन को लेकर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं को की गई है, पार्किंग व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य को देखते हुए गर्मी का दिन है, भंडारे की व्यवस्था और पूरे पंडाल के चारों ओर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर गेट बनाया गया है। 4 नंबर गेट बनाए गए तो चारों गेट की व्यवस्था, ग्राउंड के अंदर सब लोगों की व्यवस्था बैठने की रखी गई है। ग्राउंड पैक होने की स्थिति में, पैक होने के बाद ग्राउंड के फिर बाहर की व्यवस्था रहेगी, ऐसा हम सब समिति वालों ने तय किया है। वो देखते हुए प्रशासन ने जो गाइडलाइन बताया है, उस स्थिति में जहाँ जितना संभव हो पाएगा हम लोग भी सब लोगों से आग्रह करेंगे मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। 2 से 2.5 हजार लोग, समाज भोले बाबा का आयोजन है, भोले बाबा की कथा है, सब स्मरण करेंगे, ईश्वर सबका कल्याण करे, सबको उन्नति प्रगति दे। देखिए कथा का तो रेशियो प्रतिदिन बढ़ता है, अगर पहले दिन 1 लाख होंगे तो जस्ट दूसरे दिन 2 लाख आएंगे, तो आते रहते हैं जाते रहते हैं कथा में। जो हम लोगों ने अभी तक प्रदीप मिश्रा जी कथा में तो स्वयं कई जगह देखा, तो उस हिसाब से मैं देख बता रहा हूँ। हम बता दें कि इस भव्य आयोजन में रोजाना लाखों की संख्या में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण सहित पार्किंग, पेयजल व अन्य व्यवस्थाओं के लिए हजारों स्वयं सेवक अपनी सेवाएं लगातार देते नजर आएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट।